जी तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे और हमारे चैनल को देख रहे होंगे। और आपसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे और उसके साथ बेल का बटन प्रेस करेंगे ताकि आपको ना जो हमारी नई आने वाली वीडियो है उसको नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो आप बस आज ये था कि मैं अपने अब्बू के घर जा रही हूँ। जब मेरी छोटी बहन आती है ना तो वो वहां से मुझे फोन कर देती है कि तुम भी आ जाओ, मैं आ गई हूँ। तो फिर बस उसके बाद ना एक मरहला होता है, वो क्या बोला, अपने हस्बैंड से इजाजत लेना। वो मरहला मैंने पूर कर लिया है। पूर क्या मतलब, वो मैंने पूछ लिया है। वैसे वो कभी कर रहे थे, कभी कभी हम कर रहे थे। मैंने कहा मैंने जाना है तो फिर चलिए चलती हूँ, चलिए वहां मैं चलती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। बाकी हर बंदे की अपनी अपनी होती है, कोई कैमरे में आना चाहता है, कोई नहीं आना चाहता है, वो तो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकती। तो रेडी मैं हो चुकी हूँ और बस मुझे चेंज करना है और अब मैंने जाना है वहां पर। तो पास ही है, तकरीबन 1 मिनट लगता है, कोई सवारी नहीं, कोई रिक्शा नहीं, किराए की फुल बचत। तो चलिए चलते हैं वहां पर, अगर हो सका तो थोड़े थोड़े क्लिप्स आपके लिए बनाऊंगी और आपको आपके साथ शेयर करूंगी। बच्चे बस रेडी हैं तो मैं भी चेंज करके चलती हूँ और फिर आपसे वहां पर मिलूंगी। जी तो बस ये मैं अपने अब्बू के घर आ चुकी हूँ और शाम में ही आई थी तो चाय का टाइम था। तो हम सब मिलकर साथ में किचन में गप्पे शप्पे लगा रहे थे और साथ में चाय बना रहे थे। यहाँ रोल बना रही थी भाभी और चाय रखी हुई थी एक साइड पे। तो उसके बाद फिर मैंने कहा रोल तो हम खाते रहेंगे तो बच्चों के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो फिर मैंने बच्चों के लिए चिप्स बनाई, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे ना ज़रा थोड़े से हैं इस तरह के ही। तो बस यहाँ पर मैं उनके लिए, बच्चों के लिए चिप्स बना रही थी, फिर बच्चे भी खुश हो जाएं ताकि। तो उसके बना के इसके बाद साथ ही हमने ना रात के खाने के लिए, छोटी बहन ने ना फरमाइश की हुई थी पुलाव बनाना है, तो उसके लिए हमने ये यखनी भी चूल्हे के ऊपर रख दी थी, सब कुछ डाल के साथ साथ ये भी बन जाएगी। तो बस फिर उसके बाद हम अंदर चले गए और नमाज़ वगैरह पढ़ी मगरिब की। उसके बाद मैं, छोटी बहन नमाज़ पढ़ रही थी, बाकी भी नमाज़ पढ़ रहे थे। तो ये रायमा ना किचन में मेरे साथ मुझे देख रही थी कि चिप्स बना रही है, तो ये गिर गई। तो बस बच्चे भी किचन में हमारे साथ साथ ही रहते हैं, जब तक इनको होता है ना ये भी किचन में हमारे साथ ही रहते हैं। हाय गाइस, हाय गाइस, वो कहेंगे रोज इसी तरह। पकड़ लिए कि कोई ले ना ले। चले मैं खा लूंगी ऐसे ही, मेरे को ना देना पकड़ के ले के बैठो, मेरे तो मुंह पर ले लो। हां जी दे दे, दूर हो गया मेरे चला नहीं है साले, इतने ही दे रहा। यहाँ पर कोकोनट टूटने लगा, ये बड़ा चुरा और ये फिर इसके साथ मैं
यहाँ ये तीन हिस्से है ना, ये मेरी छोटी बहन ने बताया, इसमें से ना इसका नारियल पानी निकलेगा। चले देखते हैं कैसे। एक सुराख हुआ है, इसमें से पानी निकालते हैं, देखते हैं निकलता भी है। निकल गया निकल गया निकल गया। वैसे ना मैंने इंडिया में देखा है, यहाँ पर ना वो पाइप लगा के पीते हैं। वो छोटी बहन को गुस्सा चढ़ गया। और ये देखे मेरू क्या कर रही हो? खाना खा लूं। हाय गाइस, विशाल भी किचन में, हम छह किचन में नहीं, चार और तीन, सात किचन में है। वाओ, मीरू ना मुझे बैग दिखा रही है अपने। तुम्हारा शादी का फोटो एल्बम। हां चलो मीरू, ये देखो जी, हर बंदा अपनी अपनी मस्तियों में मगन है। आज का दिन बहुत अच्छा था। आज का दिन बहुत अच्छा था। क्यों क्यों? हवा चल रही है। और ये देखें हुज़ैफ़ा झूले ले रहा है। ये राजमा पुआ बन रही है। और छोटी बहन अपना सामान समेट रही है।